आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ी रैली का ऐलान किया। रैली इंडिया गठबंधन के बैनर के साथ राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ज्वाइंट प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक मेगा रैली का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस वार्ता में इसका ऐलान कर दिया। रैली राजधानी के रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की एक महारैली होगी। ये महारैली आम आदमी पार्टी की नहीं, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की नहीं, ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली है। किस लिए? क्योंकि आज विपक्ष पे एक तरफा हमला हो रहा है। आज विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है, चुनाव की घोषणा के बाद जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अपने ऑफिस में जाने की नेताओं को परमिशन नहीं मिल रही है। तो इस परिस्थिति में जो संविधान एक लेवल प्लेइंग फील्ड की गारंटी देता है, लोकतंत्र की गारंटी देता है, आज वो लोकतंत्र खतरे में है। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक महारैली रामलीला मैदान में करेंगे। रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है। देश के बड़े बड़े आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुए। आम आदमी पार्टी का उदय रामलीला मैदान से हुआ। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सभी अपोजिशन पार्टियों को दबाने की कोशिश है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश है, ये एक ऐसी जगह होगी देश की राजधानी से पूरे विश्व के लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार भारत में लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश में लगी है। इसमें इंडिया अलायंस के तमाम बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे और वो पूरे हिंदुस्तान और विश्व को यहाँ से मैसेज देंगे। 31 मार्च को रामलीला मैदान में 10 बजे रैली करने जा रहा है, जिसमें दिल्ली के साथ साथ पूरे देश भर के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक संगठनों को, जो व्यापारी संगठन हैं, एनजीओज हैं, जितने आरडब्ल्यूए हैं, सबका हम आह्वान कर रहे हैं कि इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ 31 मार्च को 10 बजे रामलीला मैदान पहुंचे।